के द्वारा हम शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धापूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु पूजा की जय। हरे कृष्ण। हम लोग कहेंगे जय अनिला प्रेम धन सपार्षद भागवत विरह। जय अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर। हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। कहाँ मोरा स्वरूप रूपा कहाँ सनातन। कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। कहाँ मोरा भट जुग कहाँ कबीरा।
एका काले कोथा गेला गोरा नटराज पाषाणे कोटी भो माथा आनाले पाशिबो गौरांगा गुणे रानिधे कोथा गेले पावो से सब संगीरा संगे जो कोई लो विलास से संग ना पाया कांदे नरोतम दास जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर आमी तुमार कोखो हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे रामा 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे जयो राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे जयो धामेश्वर महाप्रभु धामेश्वर महाप्रभु जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय विष्णुपाद परमहंस पूज्याचार्य स्तोत्र श्रीमद His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON Founder Acharya Jagat Guru Sivar The Whole World A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jaya Vishnupad Paramhans Pujika Acharya Stotra Ashta Shri Shrimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Sri Thakur Maharaj Prabhupada Ki Anant Koti Vaishnavind Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityanandat श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा माधव जी की श्री श्री गौर निताय की श्री श्री राधा गोकुलानंद जी की श्री धामेश्वर महाप्रभु की वृंद देवी तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की श्रीला विष्णुनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तिरुभावतिथि महामहोत्सव की श्री रघुनंदास ठाकुर आविर्भावतिथि महामहोत्सव की श्री पुंडरीक विद्यानिधि आविर्भावतिथि महामहोत्सव की श्री रघुनंदन ठाकुर आविर्भावतिथि महामहोत्सव की श्रीमती विष्णु प्रिया माता आविर्भावतिथि महामहोत्सव की वसंत पंचमी महोत्सव की निताय गौर प्रेमानंदे All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Sri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada, Srila Prabhupada Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः ओम अज्ञानतमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीयुतवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो ओं विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्ण हम सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज बहुत ही विशेष दिन है और इतने सारे हमारे महान आचार्यों के आविर्भाव और विष्णु जी ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस तो और बसंत पंचमी भी है। तो छह मुख्य ऋतुओं में बसंत ऋतु को बहुत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और भगवान की सभी लीलाओं में भगवान की रासलीला सर्वोत्तम मानी जाती है। और भगवान की दो रासलीलाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, एक तो शरद ऋतु की और एक वसंत ऋतु की। जो शरद में भगवान रासलीला करते हैं वो वंशीवट वृंदावन में करते हैं और जो वसंत में रासलीला करते हैं वो गोवर्धन में करते हैं, चंद्र सरोवर करते हैं। और वसंत ऋतु सबको बहुत प्रिय है और भगवान के धाम में भगवान की इच्छा से ऋतु प्रकट हो सकती है। हमें तो यहाँ प्रतीक्षा करनी पड़ती है, काफ़ी दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, आज वसंत पंचमी है, सूर्य उदय हुए हैं अच्छे, हमें तो प्रतीक्षा करनी पड़ती है समय की। लेकिन भगवान के धाम में समय तो है लेकिन समय का प्रभाव नहीं है, समय भगवान की सेवा में लगता है। तो जैसी भगवान की इच्छा होती है तुरंत वसंत ऋतु प्रकट हो जाती है। जब भगवान श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंध में वर्णन आता है 17-18 अध्याय जब ब्रह्मासुर के वध से पहले कि कृष्ण बलराम खेलने निकले हैं तो ग्रीष्म ऋतु है लेकिन वातावरण कैसा है, वसंत ऋतु जैसा। तो ये भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा से ऋतु अपने आप प्रकट हो जाती है। आजकल के वैज्ञानिक लोग भी भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो गर्मी के मौसम में सर्दी का फल, सर्दी के मौसम में गर्मी का फल, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, DNA मॉडिफाई करना पड़ता है। तो भगवान को केवल इच्छा करनी है सारी ऋतु वैसे प्रकट हो जाती है। तो वसंत पंचमी के दिन में ते महान आचार्यों के हमारे आविर्भाव दिवस है, विष्णु प्रिया माता जी का आविर्भाव दिवस, पुंडरीक विद्यानिधि जी का, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनंदन ठाकुर और श्री विश्वनाथ ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस। तो
ये सभी आचार्यों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। कई बारी हमें लगता है नहीं हमारा इनसे क्या कनेक्शन है, लेकिन जो आचार्य हैं ये समय और स्थान की सीमाओं से परे हैं और हमारी पूरी जो भक्ति है इनकी कृपा पर आधारित है। और आजकल जो हमें जो शुद्ध भक्ति हमें श्री प्रभुपाद जी की कृपा से प्राप्त हुई है, ये शुद्ध भक्ति इतनी दुर्लभ है कि ये चैतन्य महाप्रभु के विशेष जो भेंट, महाप्रभु का विशेष अवतार, महाप्रभु हम सब के लिए कृष्ण प्रेम लेकर आए इतने आसान तरीके से, ये जो प्रेम का जो भक्ति का जो बीज है ये इन आचार्यों इन गुरु परंपरा के माध्यम से ही सुरक्षित रखा गया। और इस शुद्ध भक्ति के ऊपर समय समय पर आक्रमण होते रहे, इसके कई अप संप्रदाय में निकली, इन सभी आचार्यों ने इन संप्रदाय को बचा के रखा। और आज जो हमारे पास ज्ञान है हमारे स्मार्टफोन में है, जस्ट बाय द टच ऑफ अ फिंगर हम कोई भी टीका पढ़ सकते हैं, ये सब के लिए उनको बहुत परिश्रम करना पड़ा, बहुत संघर्ष करना पड़ा। तो इसलिए हमारे हृदय में बहुत कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और जब ये आचार्यगण हमारी सिंसेरिटी को देखते हुए, ये भगवान के बहुत निकट हैं, बहुत निकट हैं, अधिकांशतः हमारी जो गुरु परंपरा है वो राधा कृष्ण के निकुंज में मंजरी रूप में सेवा कर रहे हैं, तो वो इतने निकट हैं, अगर हम उनको प्रभावित कर सकते हैं अपनी सिंसेरिटी से, और जब वो प्रार्थना करेंगे राधा माधव से, तो हम फिर भगवान हमें स्वीकार कर लेंगे। तो सारा खेल हमारा इन आचार्यों को प्रसन्न करने का है। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये अब हमारे बीच में नहीं है, ये हमेशा हमारे इनकी कृपा से ही हमारी भक्ति चल रही है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, विष्णु अशोक ठाकुर जी का लिखा हुआ भजन। तो पूर्ण रूप से हम इनकी कृपा पर निर्भर हैं। और कई प्रकार के ऋण होते हैं मनुष्य के ऊपर, एक ऋषियों के ऊपर भी हमारा ऋण, ऋषियों के प्रति भी है, आचार्यों के प्रति हमारा ऋण है, क्योंकि उन्होंने इतने सुंदर सुंदर हमें साहित्य दिए हैं, तो उन साहित्यों को पढ़ना समझना उनके अनुसार जीवन चलाना, तो हमारा इनके साथ बहुत बहुत ही जैसे कहते हैं निकट का संबंध है, और हमें इसके लिए बहुत गर्व होना चाहिए। साधारण जीवन में हम देखते हैं लोग बोलते हैं जी हम पीछे से उस खानदान से हैं ना, इवन जो संगीत के क्षेत्र में भी हैं, हमने जी हारमोनियम सीखा हम उस खानदान से संगीत सीखा है, तो बहुत बीजू बावरा के क्या था वो घराना, उस घराने से हम हैं, तो बड़ा लगता है उस घराने से हमने सीखा है। इसी ढंग से हमें लगता है हम घोड़िया वैष्णव गुरु परंपरा से हैं, है ना, हमारे घराने आप जानते नहीं क्या क्या है, विष्णु अशोक ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, ये हमारा घराना है। तो बहुत गर्व होना चाहिए कि हम इतने सुरक्षित स्थान पे हैं जिन्होंने महाप्रभु की इस धरोहर को हमारे तक पहुंचाया है। तो इसलिए इन आविर्भाव और तिरुभाव दिवस को हमें बहुत विशेष रूप से लेना चाहिए। और हरिनाम चिंतामणि में भक्तिनो ठाकुर जी बताते हैं कि अगर किसी को जप करते हुए विक्षेप का रोग है, विक्षेप का अर्थ है कि मन जप में मन भटकता है किसी को यहाँ पे जप में मन ना? तो वो दूर हो सकता है, उसकी रेमेडी उसका उपचार बताया है, विक्षेप का मन भटकने का उपचार बताया है भक्तिनो ठाकुर जी ने, कि आचार्यों के तिरुभाव आविर्भाव दिवस को बहुत उत्साह से मनाना और बहुत सख्ती से मनाना, इसको एक साधारण दिवस नहीं मानना चाहिए। साधारण दिवस में किसी का तिरुभाव दिवस और बोले बरसी है जी आज ना, मातम साहब नहीं, ये तो उत्सव है। और इस दिन हमें उन आचार्यों के जीवन चरित्र पर चर्चा करनी चाहिए, और उनके जीवन चरित्र से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धर्म से तत्वम निहितम गुहायम राज विद्या राज गुह्यम, भक्ति जो है बहुत गहरी है। और कई बार हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं अपने दिनचर्या में रोजमर्रा की जिंदगी में कि भक्ति के सिद्धांतों को कैसे समझें, कैसे जीवन में उतारें, लेकिन इन आचार्यों का जीवन है ये पुरुष भागवत है, तो नित्यम भागवत सेव्य पुरुष भागवत है, ये चलती फिरती भागवत है। तो भागवत के सिद्धांतों को अपने जीवन में हमें प्रदर्शित करते हैं तो भागवत प्रैक्टिकल लगती है, और फिर हम धर्म के सिद्धांतों को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं और हमारा उत्साह बढ़ता है, यस हम भी ऐसा कर सकते हैं, हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो इनके जीवन चरित्र से हमें निर्देश मिलते हैं, इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, इनके जीवन चरित्र से हमें प्रेरणा मिलती है, और हमारा हृदय कृतज्ञता से भरता है कि हमारे लिए इन्होंने कितना संघर्ष किया। और फिर हम आज के दिन खूब इनसे प्रार्थनाएं करें, डायरेक्टली प्रार्थनाएं करें। कहा जाता है
पिता से ज़्यादा दयालु होते हैं दादाजी, दादाजी से भी ज़्यादा होंगे परदादाजी और परदादाजी और परदादाजी। तो हम इनके पास जाएं डायरेक्टली आज के दिन को अप्रोच कर सकते हैं और इनसे खूब प्रार्थनाएं कर सकते हैं, उनके कहाँ कहाँ समाधि हैं उसमें हम मनन कर सकते हैं और उनसे प्रार्थनाएं कर सकते हैं और उनके लिए कुछ गीत गा सकते हैं और उनसे हम खूब, क्योंकि अगर ये प्रार्थना कर देंगे, ये रिकमेंड कर देंगे तो हमारी भक्ति बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। और ये सभी आचार्यगण प्रकट हुए हैं हमारे उद्धार के लिए, इसलिए श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के प्रीफेस में कि ये जो मूवमेंट है रूप गोस्वामी जी के पर्सनल सुपरविजन में चल रही है। तुम्हारा बड़ा निकट का संबंध है, पर्सनल सुपरविजन में है रूप गोस्वामी जी के। और रूप गोस्वामी जी कौन है? रूपम मंजरी हैं और ये सभी जो आचार्यगण हैं उन्हीं की सेवा में लगे हुए हैं। तो इसलिए बहुत ही विशेष दिन है, इनसे हम प्रार्थना करें। तो इतने सारे आचार्यों के एक एक जीवन चरित्र को भी लेंगे तो पूरा उसमें क्लास निकल जाएगी। तो आज हम मुख्यतः विशेषता चला विष्णुनाथ चक्र ठाकुर जी के जीवन के विषय में विस्तार में चर्चा करने का प्रयास करेंगे, विस्तार में क्या जितना संभव है, और बाकी आचार्यों के विषय में थोड़ा संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले पुंडरीक विद्यानिधि जी, पुंडरीक विद्यानिधि जी हम जानते हैं किन के अवतार हैं, वो विश्वभानु जी के अवतार हैं। और इनके विषय में हम जानते हैं कि बहुत ही धनाढ्य थे लेकिन बहुत ही वैरागी थे, है ना। और इनके ऐश्वर्य को देखकर गदाधर पंडित भ्रमित हो गए थे। मुकुंद ने बोला आज मैं तुम्हें बहुत विशेष वैष्णव से मिलाता हूँ। तो ये कैसे वैष्णव है ना? तो कई बार हम भक्तों को बाहरी पहनावे से जज कर लेते हैं, ये क्या है, ये तो पान खा रहे हैं, रेशमी कपड़े डाले हुए हैं और बढ़िया श्रृंगार किया हुआ है, आसपास नौकर चाकर इनकी सेवा कर रहे हैं, ये तो अय्याशी हैं, अय्याश कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मुकुंद ने भांप लिया कि गधर पंडित की श्रद्धा कमजोर हो रही है, मुकुंद ने अहो बकीयम स्तन का नकूटम ये श्लोक बोला श्रीमद् भागवतम से, और सुनते ही पुंडरीक विद्यानिधि के अंदर इतना प्रेम उत्पन्न हो गया, एकदम गिर पड़े नीचे, अपने सारे कपड़े फाड़ डाले उथल पुथल मचा दिए एकदम। ऐसा देखा तो गधर पंडित एकदम विस्मित हो गए, इतना भावावेश, केवल भगवान की करुणा सुनने मात्र से। हम लोग सुनते कुछ होता है कुछ भी रोमांच नहीं होता कि भगवान इतने कृपालु हैं, ऐसा रोमांच देखा कि इतने भगवान के प्रति प्रिय हैं ये। तो फिर गधर पंडित को बहुत पश्चाताप हुआ, उन्होंने बोला पश्चाताप का एक ही तरीका, मैं इनसे दीक्षा ले लेता हूँ, उसे दीक्षा ग्रहण की। और पुंडरीक विद्यानिधि जी के बहुत विशेष मित्र थे स्वरूप दामोदर, जो कि चैतन्य महाप्रभु के सचिव थे, पर्सनल सर्वक सेक्रेटरी थे उनके। और एक बार ये दोनों जगन्नाथपुरी में मिले और दोनों बड़े अच्छे बलवान शरीर था, और स्वरूप दामोदर और पुंडरीक विद्यानिधि दोनों एक दूसरे के चरणों को स्पर्श करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो दोनों ऑलमोस्ट कुश्ती हो गई कई बार भक्तों में देखते हैं एक दूसरे के चरण छूने के लिए आतुर रहते हैं। तो महाप्रभु देखकर बहुत प्रसन्न हुए, खेल चल रहा था ऐसा। और एक बार पुंडरीक विद्यानिधि जी जगन्नाथपुरी मंदिर में गए, ओरण षष्ठी का उत्सव था, तो उन्होंने देखा कि वहाँ के पांडा जगन्नाथ जी को गर्म वस्त्र डाले हैं बिना स्टार्च मांड को निकाले हुए, बोले ऐसे कैसे कर दिया, भगवान को वस्त्र डाले पहले धोना चाहिए था। तो स्वरूप दामोदर बोले ऐसे नहीं करते, पांडा लोग इनको मत छेड़ो, जिनका अपना भाव है, बोले नहीं नहीं तो गलत किया। तो रात को जब सोए तो जगन्नाथ बलराम जी आए, बोले हमारे पांडव में दोष देखते हो, खूब पिटाई की, पूरा मुँह सूझ गया उनका। तो अगले दिन बाहर आए तो स्वरूप दामोदर को बताया, वो खूब हंसे क्योंकि भगवान के इतने निकट थे, उनकी पिटाई करने स्वयं भगवान है, लेकिन वो अपने जीवन से दिखा रहे हैं कि हमें भक्तों में दोष नहीं देखना चाहिए, है ना, ब्रजवासियों में, धामवासियों में। और पुंडरीक विद्यानिधि जी इतने सरल थे कि वो जब गंगा में लोग कपड़े धोते थे, स्नान करते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था कि भगवान के चरणों से निकला हुआ ये जल है और लोग इसमें इसका गलत उपयोग कर रहे हैं, तो गंगा में स्नान नहीं करते थे। तो क्या करते थे, रात को जाकर अकेले में गंगा जी को प्रणाम करते थे, इतना उनका आदर का भाव था गंगा जी के लिए। पुंडरीक विद्यानिधि जी को हम प्रणाम करते हैं, पुंडरीक विद्यानिधि जी की जय, जय जय श्री श्री राधा माधव जी की जय। उसके बाद हम देखते हैं होते हैं रघुनंदन ठाकुर। रघुनंदन ठाकुर जी हम जानते हैं कि मुकुंद के पुत्र थे और श्रीखंड क्षेत्र में रहते थे, और उनके पिताजी चिकित्सक थे, और बहुत प्रसिद्ध कथा है कि वो जाते हैं कहीं घर किसी कारण से कामवश बाहर जाते हैं तो अपने पुत्र को सौंप के जाते हैं गोपीनाथ जी की सेवा, मतलब भोग लगा देना। बड़े सरलता से रघुनंदन कहते हैं
भगवान खा लीजिए, भगवान खाते नहीं हैं, तो रो रो कर पुकारते हैं, खा लो खा लो खा लो, नहीं तो मेरे पिताजी मारेंगे मुझे, खा लो खाओ ना। तो भगवान को इतनी सरलता से, इतने प्रेम से पुकारते हैं, भगवान आ जाते हैं और पूरी थाली साफ कर देते हैं। तो 3 दिन तक ऐसा चलता रहा। जब मुकुंद वापस आते हैं, बोले कहाँ है प्रसाद, बोले प्रसाद क्या भगवान खा गए, बोले ऐसा कैसे, इतने सालों से मैं लगा रहा हूँ, ऐसे कैसे खा लेंगे। और फिर जब देखते हैं दोबारा लगाओ, जब दोबारा लगाते हैं तो छिपके देखते हैं, फिर भगवान आते हैं और आधा लड्डू खाते हैं। भक्त लोग बोलते हैं आधा, इसलिए कि अभी अभी भोग पाया था उन्होंने, तो आधा लड्डू खाते हैं, तो बड़े हैरान हो जाते हैं और मुकुंद जो रघुनाथ को आलिंगन कर लेते हैं। और महाप्रभु के एक और बड़े पार्षद थे अभिराम ठाकुर। अभिराम ठाकुर बड़े प्रसिद्ध थे कि जिसको भी प्रणाम करते थे, कोई शालिग्राम शिला को जेन्युइन नहीं हो तो शिला फट जाती थी। नित्यानंद प्रभु के बहुत से पुत्र हुए, अगर वो भगवान के अवतार नहीं है, विशेष उनमें शक्ति नहीं है, तो वह प्रणाम किया उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो मालूम चला कि वो रघुनंदन के दर्शन करने आ रहे हैं। तो मुकुंद और उनकी भार्या बहुत चिंतित हो गई कि उनको प्रणाम किया, हमारे बेटे को कुछ हो ना जाए, तो उनको निकाल दिया पीछे घर से, जाओ निकल जाओ। अभिराम घूमते रहे, नहीं मिले, लेकिन बाद में अभिराम को मिले और अभिराम ने उनको प्रणाम किया, कुछ नहीं हुआ। और दोनों ने खूब नृत्य किया, है ना, खूब नृत्य किया, और इतना नृत्य किया कि इनके चरणों का जो नुपुर था दूर जाके गिरा और वहाँ के जाके एक कुंड बन गया था। और बाद में जब जगन्नाथपुरी में मुकुंद रघुनंदन के साथ आए, तो महाप्रभु की लीला मालूम थी, तो महाप्रभु ने मुकुंद से पूछा, आप दोनों में बेटा कौन है और पिता कौन है? तो मुकुंद ने बोला, ये मेरा पिता है। तो भक्ति में आयु नहीं देखी जाती, भक्ति में देखा जाता है कौन कितना भक्ति में उन्नत है। रघुनंदन ठाकुर जी की जय। फिर हैं विष्णुप्रिया माता जी। विष्णुप्रिय माता हम जानते हैं चैतन्य महाप्रभु की भार्या हैं और ये भगवान की भू शक्ति के अवतार हैं। और जब महाप्रभु ने संन्यास लिया तो इनको मालूम था महाप्रभु उनको छोड़ के जा रहे हैं बिल्कुल इतनी युवा अवस्था में। तो चैतन्य मंगल में लोचनदास ठाकुर जी बहुत ही मार्मिक कथा लिखते हैं कि इनका वार्तालाप हुआ था कैसे विष्णुप्रिय और चैतन्य महानिमाई पंडित का। और विष्णुप्रिया माता बिल्कुल विरह में भगवान के रहीं और हरे कृष्ण महामंत्र जो जप करती थी, जितना जप करती थी उतने चावल के दाने रखती थी और वही चावल के दानों को भोग लगाती थी, जो महाप्रभु के एक नीम के लकड़ी के बने हुए जो विग्रह थे धामेश्वर महाप्रभु, जो धामेश्वर में मिलते हैं नवद्वीप में, कितने लोगों ने दर्शन किए धामेश्वर महाप्रभु के, हाँ अभी भी भगवान के चरण का पादुकाएँ वहाँ पे हैं, तो उनकी वो अर्चना करती थी। और इस प्रकार से विष्णु प्रिया माता जी के त्याग के कारण महाप्रभु संन्यास लिए और संन्यास के कारण उन्होंने प्रचार किया और हम सबको ये गौड़िया वैष्णव उनकी कृपा हमें प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से विष्णुप्रिया माता जी की जय। और रघुनाथ दास गोस्वामी जी हम जानते हैं, कल हमने उनकी थोड़ी चर्चा की थी। रघुनाथ दास गोस्वामी जी हमारे प्रयोजन आचार्य हैं और रघुनाथ दास गोस्वामी जी का वैराग्य और उनकी तपस्या, वो जो नियमों का पालन करते थे, वो पत्थर की लकीर होता था, पत्थर की लकीर। और पूरे जीवन में अपनी जीवा पे उन्होंने कोई खाद्य पदार्थ नहीं रखा अपने इंद्र तृप्ति के लिए, इतना बड़ा वैराग्य, इतनी भगवान से आसक्ति। तो उनसे हम प्रार्थना करें कि हम भी भगवान के प्रति इतने आसक्त हो जाएं। तो सभी आचार्यों से हम प्रार्थना करते हैं कि हम भक्ति में को बहुत गंभीरता से लें और इसके हम उनको प्रसन्न कर सकें। हरे कृष्ण। अब हैं विष्णुचोक ठाकुर जी। तो हम जानते हैं, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए विशेष अवतार हैं जो हम सबके लिए कृष्ण प्रेम लेकर आए। और महाप्रभु ने ये ज्ञान 6 गोस्वामियों को दिया। महाप्रभु जब स्वयं प्रकट थे इस धराधाम में थे, तो महाप्रभु तो किसी पर दृष्टिपात भी कर लेते थे उसको प्रेम मिल जाता था, लेकिन ये प्रेम आगे आने वाले 10,000 वर्ष स्वर्णिम युग है, ये परंपरा चलती रहे, इसके लिए महाप्रभु ने रूप और सनातन को चुना, उनको शिक्षा दी, उनको निर्देश दिए कि आप वृंदावन जाइए और भक्ति शास्त्रों की रचना कीजिए, वृंदावन को दोहरा प्रकट कीजिए, लीला स्थलियों को प्रकट कीजिए, अर्चकों की स्थापना कीजिए। तो 6 गोस्वामियों ने मिल के गौड़िया वैष्णव सिद्धांत को स्थापित किया। लेकिन धीरे धीरे जब ये अप्रकट हो गए और महाप्रभु भी अप्रकट हो गए, फिर से चैतन्य महाप्रभु के अस्तित्व को लेके, उनकी असली वो कौन है इसको लेकर ही बड़ा कन्फ्यूज़न था।
और उनके सिद्धांत को लेकर बहुत कन्फ्यूजन था, बहुत सा भ्रम था, और उनके होते हुए ही अपसंप्रदाय होना शुरू हो गई थी। तो फिर से सही से सिद्धांत स्थापित किया जाए तो नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित ने खूब प्रचार किया गोस्वामी ग्रंथों का, और दोबारा से गौड़िया वैष्णव जो हमारे थे उस फिलॉसफी को, सिद्धांत को स्थापित किया। लेकिन इनके अप्रकट होने के बाद फिर से कन्फ्यूजन हो गया। तो हम देखते हैं जब जब प्रचार में कमी आती है, असंप्रदाय फैलती हैं, अधर्म फैलता है। इसीलिए सनातन धर्म की रक्षा और गौड़िया वैष्णव सिद्धांत की रक्षा होगी प्रचार से, और प्रचार भी जो सही परंपरा से हमें प्राप्त हो रहा है उसको यथारूप प्रचार करना चाहिए। तो फिर से ये सरासर भ्रम शुरू हो गया, तो फिर विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी प्रकट हुए। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरोवर ठाकुर महाराज कहते हैं जो विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी हैं वो हमारे गार्जियन हैं, प्रोटेक्टर हैं और मुख्य आचार्य हैं, रक्षक हैं, संरक्षक हैं इस गौड़िया वैष्णव के। ओके, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो इनका नाम बहुत सुंदर अर्थ है। तो इनके नाम के ऊपर श्लोक की रचना की गई है, विश्वस्य नाथ रिपो असौ भक्ति रत्न प्रदर्शनाथ भक्त चक्रवर्तितवत् चक्रवर्ती आख्याया भवत्। विश्वस्य नाथ रिपो असौ भक्ति रत्न प्रदर्शनाथ। विश्वनाथ कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण जो पूरे विश्व के नाथ है। तो उस विश्वनाथ के प्रति जो भक्ति रूपी रत्न को प्रदर्शित करते हैं, प्रकट करते हैं, वो है विश्वनाथ। और चक्रवर्ती कौन है? जो भक्ति के चक्र को विस्तारित करते हैं वो हैं चक्रवर्ती। और ठाकुर क्या है? सभी वैष्णवों में चूड़ामणि सर्वश्रेष्ठ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो इनका प्राकट्य कब हुआ इसके विषय में कई बार हमारे आचार्यों के प्राकट्य के विषय में उसको निश्चितता से नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि 1638 के आसपास। इसका एस्टिमेट कैसे किया गया कि जो भी विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी ग्रंथ लिखते थे उस ग्रंथ में वो डेट लिख देते थे कि कब मैंने ग्रंथ लिखा, कब पूरा हुआ। हम देखते हैं शिला प्रभुपाद जी भी भागवतम के तात्पर्य होंगे अंत में लिखते हैं कि ये कैंटो, ये स्कंद कब फिनिश हुआ। ऐसे विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी भी लिखते थे। तो उन्होंने, उनका ग्रंथ है कृष्ण भावना अमृत, उन्होंने कहा, उन्होंने 1685 में फागुन पूर्णिमा चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के दिवस के दिन की थी 1685 में, और फिर भागवतम की टीका उन्होंने समाप्त की थी 1704 में। तो ये देखते हुए लगभग 1708 में बसंत पंचमी के दिन उनका तिरुभाव हुआ। तो वैष्णव का कहना है कि लगभग 70 वर्ष वो रहे, तो 1638 में के आसपास उनका प्राकट्य हुआ। और उनका प्राकट्य हुआ नादिया के राड़ देश में। राड़ देश क्षेत्र को कहते हैं जहाँ से गंगा नहीं बहती, उसको राड़ देश कहते हैं। बंगाल में आप देखते हैं गंगा है, लेकिन कुछ ऐसे एरिया हैं बंगाल में जहाँ गंगा जी नहीं बहती, तो उसको राड़ देश कहते हैं। और कई बारी ये अपनी कविताओं में अपना नाम हरिवल्लभ भी लिखते थे। और इन्होंने अपना जो बचपन था देवग्रामक नामक स्थान पर बिताया। इनके बड़े भाई थे रामभद्र चक्रवर्ती और रघुनाथ चक्रवर्ती, और दोनों बड़े परम वैष्णव थे। और बचपन से ही इन्होंने रामभद्र चक्रवर्ती जो उनके बड़े भाई थे उनसे भागवतम सीखी। और बचपन जब वे प्रकट हुए बहुत दिव्य बालक थे, इनके शरीर की कांति बहुत जबरदस्त थी, और कोई भी इनको देखता था उनको उनसे प्रेम हो जाता था, है ना, क्योंकि इनके हृदय में कृष्ण थे बचपन से। वैसे तो छोटे बच्चे प्यारे लगते ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बच्चे घर में प्रकट हुए तो पूरा घर प्रकाशमान हो गया ऐसा नहीं होता। लेकिन इनको देखते ही हर किसको इच्छा होती थी इनको गोद में उठा लें, क्योंकि इनके हृदय में कृष्ण थे और सबको अपने प्रति आकर्षित करते थे। और ये साधारण बालक नहीं थे, ऐसे नहीं कि नटखट थे नाचते गाते, ना, बहुत ही गंभीर, बहुत ही मेधावी छात्र, संस्कृत के बड़े पंडित, और बचपन से ही भागवतम में रुचि, खूब भागवतम पढ़ते थे। इतना भागवतम पढ़ा कि पूरा वैराग्य आ गया। वैराग्य आ गया, घर वाले खुश हुए होंगे दुखी होंगे? छोटे बच्चे में वैराग्य आ जाए तो क्या होता है, घर वाले क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं, ये तो क्या होगा। तो उसका इलाज क्या होता है, तुरंत विवाह कर दिया, सब ठीक हो जाएगा विवाह कराते ही, विवाह करा दिया तुरंत, लेकिन इनका वैराग्य बना रहा। लेकिन इनके जो भाई थे जिन्होंने उनको भागवतम सिखाई थी, वो चाहते थे कि भागवतम में और प्रवीण हो जाए,
तो इन्होंने उनको एक स्थान था सईदाबाद मुशीराबाद मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक स्थान था सईदाबाद वहाँ भेज दिया और वहाँ पे परम वैष्णव थे गंगा चरण चक्रवर्ती। तो उनसे इन्होंने फिर से और भागवतम सीखी और जब ये दीक्षा लेने ले गंगा चरण चक्रवर्ती से उन्होंने बोला नहीं आप मेरे शिष्य से ले लूँ मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ और उनके दूसरे शिष्य थे राधा रमन चक्रवर्ती से उन्होंने दीक्षा ली। तो ये विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी नरोत्तम दास ठाकुर जी के परंपरा में चौथे नंबर पे आते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा दी थी लोकनाथ गोस्वामी जी को, लोकनाथ गोस्वामी भूगर्भ गोस्वामी जी के साथ वो ये दो पहले गोस्वामी थे जो वृंदावन आए थे और लोकनाथ गोस्वामी जी ने नरोत्तम दास ठाकुर जी को दीक्षा दी थी उनके दृढ़ निश्चय को देखते हुए। और नरोत्तम दास ठाकुर जी के एक शिष्य थे गंगा नारायण चक्रवर्ती और गंगा नारायण चक्रवर्ती जी के शिष्य थे कृष्णचरण चक्रवर्ती और कृष्णचरण चक्रवर्ती के शिष्य थे राधारमन चक्रवर्ती और राधारमन चक्रवर्ती के शिष्य हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती। याद हो गया? विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी के गुरु हैं राधारमन चक्रवर्ती, राधारमन जी के गुरु हैं गंगाचरण चक्रवर्ती, गंगाचरण जी के गुरु हैं गंगा नारायण चक्रवर्ती और गंगा नारायण चक्रवर्ती के गुरु कौन है? नरोत्तम दास ठाकुर। उनके गुरु कौन है? लोकनाथ गोस्वामी और वो हैं चैतन्य महाप्रभु से। तो इस प्रकार से गुरु परंपरा है। ओके, तो राधारमन चक्रवर्ती से फिर उन्होंने भागवतम सीखी। तो प्रकार से तीन स्थानों से तीन परम वैष्णव से उन्होंने भागवतम का ज्ञान प्राप्त किया। पहले थे उनके भाई रामभद्र, फिर थे गंगा कृष्णचरण चक्रवर्ती और फिर राधारमन चक्रवर्ती। तो इनके भाई ने इनसे पूछा कि आपको भागवतम का निष्कर्ष मालूम चल गया? तो अब ये थोड़े कंफ्यूज थे, बोले हाँ कुछ कह नहीं सकते, निष्कर्ष पूरा भागवतम पढ़ने का क्या निष्कर्ष निकला तो बता नहीं पाए। तो बोले दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़े सारे 12 स्कंद, दोबारा पढ़े बड़े उत्साह से वापस आए, बोले हाँ बताओ क्या निष्कर्ष है। तो फिर विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी ने कहा मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। बोले यस यही निष्कर्ष है ना, वृंदावन राधा कृष्ण की लीला स्थली है, जाओ वृंदावन जाओ। तो ये वृंदावन आ गए। ओके, तो भागवतम का निष्कर्ष ये है। बोले ये तो बहुत अच्छा बता दिया प्रभु जी, आपने सीधा ही निष्कर्ष बता दिया, तो भागवतम पढ़ने की जरूरत नहीं है। और हम तो वृंदावन चले ही जाते हैं और आजकल तो बहुत अच्छा ट्रेंड है, वृंदावन एक फ्लैट लो फर्स्ट क्लास बढ़िया सा 2 BHK लो और वहाँ से रहो आराम से। बोले सारा भागवतम का निष्कर्ष ही है। लेकिन हम देखेंगे महाप्रभु ने भी गोस्वामी गणों को भेजा वृंदावन और यहाँ पे विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी वृंदावन जा रहे हैं। तो उसमें वृंदावन ऐसा वृंदावन नहीं था, आराम से कंफर्टेबल AC अपार्टमेंट है, बैठो आराम से, सारी सुविधाएं हैं। नहीं, वृंदावन गए प्रचार के लिए, इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए। क्योंकि जब विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी वृंदावन आए तो वृंदावन की स्थिति को देख उनको बहुत दुख हुआ। मुगल राजा औरंगजेब ने सारे गोस्वामी मंदिरों का खत्म कर दिया था, खंडन कर दिया था, सारे अर्च विग्रह जयपुर में चले गए थे, पुजारियों की हत्या कर दी थी, स्त्रियों के साथ बलात्कार, सारी गौड़िया वैष्णव संस्कृति समाप्त हो गई थी, बहुत दुख हुआ इनको। और विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी वृंदावन में आने से पहले ही इन्होंने रूप गोस्वामी जी के 3 ग्रंथों पर अपनी टीकाएं दे दी थी। प्रसिद्ध ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि और लघु भागवतामृत पे। और उनकी टीकाओं का नाम क्या था? भक्ति रसामृत सिंधु का नाम था इनकी जो टीका थी भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु। उज्ज्वल नीलमणि क्या था? उज्ज्वल नीलमणि किरण है ना। और लघु भागवतामृत का था कर्ण लगाया सा। तो वैष्णव सर्कल में ये प्रसिद्ध था कि कहते थे एक यस यूज्ड टू से हाँ यही 3 निये वैष्णवपन, किरण बिंदु कर्ण यही 3 निये वैष्णवपन, वैष्णव धन सॉरी, कि ये 3 जो हैं किरण बिंदु और कर्ण ये वैष्णवों का धन है, ऐसी टीका है। और जब यहाँ आके देखा कि रूप गोस्वामी जी के सिद्धांत कोई समझ नहीं रहा और अब संप्रदायें फैली हुई हैं, जात गोसाई हैं, पहले तो मुगलों ने सारा सर्वनाश किया और उसके बाद अब संप्रदाय आ गई, जैसे हमने पहले ही चर्चा की जैसे ही प्रचार रुकता है
अधर्म और अपसंप्रदाय फैलनी शुरू हो जाती है। सही प्रचार रुकेगा तो ये सब शुरू हो जाएगा। तो देखकर बहुत दुखी हुए और फिर उन्होंने भगवान से बहुत प्रार्थना की, कोई ऐसा मेरे को साथी भेजो ताकि मैं मिल के दोबारा से सही गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को स्थापित कर सकूं। ऐसी प्रार्थना और भी किसने की थी हमारे आचार्यों में से? भक्तिनोद ठाकुर जी ने, और तब प्रकट हुए थे बिमला प्रसाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो उनकी ऐसी प्रार्थना सुनी तो फिर उनके पास आए बलदेव विद्याभूषण जी, है ना। बलदेव विद्याभूषण जी पहले तत्ववादी थे, मधवा संप्रदाय से उन्होंने दीक्षा ली हुई थी, उन्होंने शंकराचार्य संप्रदाय का पूरा सिद्धांत पढ़ा हुआ था, और वो जब जगन्नाथपुरी में थे गौड़िया वैष्णव का साथ उन्होंने संघ किया तो वो गौड़िया वैष्णव बन गए थे। तो बलदेव विद्याभूषण जी बहुत बड़े प्रखार पंडित थे, वो उनके पास आए और विष्णुनाथ ठाकुर जी और बलदेव विद्याभूषण ने मिलकर खूब प्रचार किया। तो ऐसा प्रचार चल रहा था उनका, तो उनका विवाह हुआ हुआ था और उनकी पत्नी का नाम था विभा और बहुत सुंदर थी, सुशील थी। अब प्रभु जी चले गए वृंदावन, तो उनकी पत्नी उनके घर वाले आ गए गुरु जी के पास। क्या नाम था गुरु जी का? राधा रमन चक्रवर्ती। हमारी बेटी है, विवाह है, ये यहाँ पड़ी और हमारे उनके पति वहाँ चले गए, तो अब बताइए इनको लेके आइए, हमारे विवाह हुआ हुआ है। गुरु ने बोले तो गलत बात है, संदेशा भिजवाए विष्णु चक्र वापिस आओ। तो वापिस आ गए, बोले तुम्हारा विवाह हुआ हुआ है? बोले हाँ। तो ये गलत बात है, गृहस्थ आश्रम को निभाना चाहिए, जाइए पत्नी के साथ रहिए, गुरुजी का आदेश था, चले गए। जब गुरुजी गए पत्नी के साथ रहने गए तो रात को पूरी भागवतम उठा ली और पूरी रात भागवतम सुनाते रहे उसको पूरी भागवतम क्लास एक घंटे की नहीं, पूरी रात। इतनी रुचि थी इनको, स्वाभाविक रुचि थी। तो पत्नी भी क्या है ये, तो अगले दिन गए गुरुजी के पास कि ऐसे ऐसे आपके शिष्य। अंदर से गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए, क्या रुचि है भागवत में तो ये है, देखिए ये कथा सुन के हम नकलना मानना शुरू कर दें कथानाक हो जाएगा। तो हम लोग जो वैराग्य है उसको नकल नहीं मारी जाती, वैराग्य को, है ना। अगर नकल मारेंगे तो बहुत उत्पात मचेगा हमारे जीवन में भी और समाज में भी। क्रमशः स्वाभाविक रूप से वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जन्यति आशु वैराग्यम ज्ञानम जयंत अहेतुकम, अपने आप ही जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे क्रमशः वैराग्य आएगा। और हर किसी को बड़ा ईमानदार होना चाहिए अपने जीवन में, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रह के। कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत फ्लेक्सिबल है, भगवान चाहते हैं ये इनके इन प्रकार आप मेरी सेवा करो। हम लोगों को आश्रम कॉन्शियस नहीं होना, हम लोगों क्या होना है? कृष्णा कॉन्शियस। तो सेवा करिए और उससे जो वैराग्य आएगा स्वतः ही आएगा। ओके, तो इस प्रकार से, क्योंकि वैराग्य जो है, अगर रूप गोस्वामी जी ने साधना भक्ति के 64 अंग बताए हैं, इसका वैराग्य अंग नहीं है, लेकिन विशेषकर भक्ति के प्रारंभिक वर्षों में वैराग्य की आवश्यकता होती है। अगर हम सारे नियमों का पालन ना करें, चार नियमों का सख्ती से पालन ना करें, तो हम सही ढंग से 16 माला का जप भी नहीं कर पाएंगे। हम 16 माला का जप करना शुरू करते हैं तो 4 नियमों का पालन करना भी आसान हो जाता है। प्रारंभिक अवस्थाओं में वैराग्य का कुछ अनुशीलन करना चाहिए। हम फिलॉसफी पढ़ते हैं, सांख्य योग करते हैं, हम शरीर नहीं आत्मा है, ये विवेक करने से हम कुछ वैराग्य को अपने जीवन में ला के हम भक्ति को अच्छे ढंग से पालन कर सकते हैं। लेकिन जितना अच्छे ढंग से हम भागवतम को पढ़ेंगे समझेंगे, जन्यति आशु वैराग्य स्वयं, ये भक्ति के फल है। भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र चत्रिका एक काला, है ना, तुष्टि पुष्टि क्षुदाप्यानुभाव, कि जैसे ही हम भक्ति करते हैं तुष्टि भी होती है पुष्टि भी होती है और हमारी भूख भी खत्म हो जाती है। तो हमें जिस प्रकार से अन्न खाने से, खाना खाने से शरीर को तुष्टि पुष्टि मिलती है और भूख खत्म हो जाती है, उसी प्रकार से भक्ति करते हैं तो भक्ति होती है, परेशानुभावा भगवान का साक्षात्कार होता है और इस जगत से विरक्ति होती है। लेकिन उनके गुरु ने देखा कि भागवतम में इतनी रुचि है, तो बोला ठीक है मेरे लिए भी अब भागवतम लिखो। उन दिनों में भागवतम की दूसरी कॉपी चाहिए तो लिखना पड़ता था। तो गुरु जी ने बोला आपको भागवतम इतना अच्छा लगता है पढ़ना, तो मेरे लिए भी आप भागवतम लिखो। तो बोले ठीक है, तो गुरु जी ने भागवतम लिखना शुरू कर दिया।
और उनका भागवतम में इतनी रुचि देखकर भगवान ने उनकी इतनी सहायता की कि जब गर्मी होती थी, तेज सूर्य की रोशनी होती थी, तो बादल उनके सर के ऊपर आ जाते थे छाता बन के, उनको धूप नहीं लगती थी। और जब तेज वर्षा हो रही होती थी, बीच वर्षा में बैठ के वो लिखते थे, उनके ऊपर एक बूंद भी नहीं गिरती थी, और जिन पत्तों के ऊपर वो लिखते थे वो गीले भी नहीं होते थे। एक बार एक राजा वहां से जा रहा था बारिश में, तो सब उसके जो राजा के सेवक थे बड़े बड़े छाता लेके जा रहे हैं, वो देख रहे हैं एक संत ऐसे ही बैठे बारिश में, मूसलाधार वर्षा हो रही है और आराम से लिख रहे हैं, कमाल हो गई। बोले क्या असली ऐश्वर्य तो यह है मैं राजा हूँ और मेरे को सब लोग छाता कर रहे हैं ऊपर, और ये देखो आराम से लिख रहे हैं, क्या साधु हैं। वास्तव में ये भगवान रक्षा करते हैं। इसी तरह से रघुनाथदास गोस्वामी जब राधाकुंड में थे तो आराम से जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ना? तो स्वयं राधा रानी धूप है, राधा रानी आकर उनका दुपट्टा कर रही है ऊपर कि उनको धूप ना लगे। और इससे पहले एक शेर आ गया था राधाकुंड का जल पीने के लिए, उनको पता ही नहीं शेर आया, वो हरिनाम ले रहे हैं और साथ में शेर से रक्षा करने के लिए कृष्ण खड़े थे। ये दोनों दृश्य किसने देखे थे? सनातन गोस्वामी जी ने। सनातन गोस्वामी जी ने फिर रघुनाथ जी को डांटा, भैया आप राधा कृष्ण से सेवा लेते हो, या राधा कुंड में उनकी सेवा करने आए हो, उनसे सेवा लेने आए हो, चलो बजाओ भजन कुटीर बनाओ। फिर उन्होंने भजन कुटीर बनाई। तो इस प्रकार से अगर हम पूर्ण रूप से रत हो जाएं भजन में, तो हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारा मन कई बार छोटी छोटी बातों में इतना चिंतित रहता है ना? भगवान गीता में क्या कहते हैं, अनन चिंतयंतो माम ये जन परियुपासते तेषां नित्य भयुक्तानां योगक्षेम वहामि अहम्। हमारे मन के पास दो ऑप्शन है, या तो चिंता कर लो या चिंतन कर लो। कौन सा बेटर है? चिंतन कर लो। कई बार लगता है प्रभु जी कहना आसान है, आप नहीं जानते मैं किस दौर से गुजरना हूं। सही बात है, हर व्यक्ति का एक अलग दौर होता है, परेशानियां होती हैं और हर व्यक्ति को लगता है मेरी परेशानी यूनिक है। नहीं, भगवान तो सब कारणों के कारण है, अगर हम उनकी शरण ले लेते हैं। क्योंकि कई बार हमारी योजनाएं होती हैं, हम सोचते हैं कि सारा जीवन हमारी योजनाओं के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन जब हमारी योजनाएं पूरी नहीं हो रही और हम भगवान की शरण में हैं, तो हमें सोचना चाहिए भगवान की अलग योजना है और वो योजना मेरी योजना से बेहतर होगी, इतना विश्वास तो होना चाहिए, है ना? भक्त को अपने लिए लेकर, अपने भविष्य को लेकर, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, ये चिंता करना, इसका मतलब श्रद्धा की कमजोरी है। पूर्ण रूप से भगवान को हम समर्पित रहें, और भगवान आप जो आपको, मेरी इच्छा ये है, बाकी आप जो करेंगे मुझे स्वीकार है। भगवान के साथ ऑनेस्ट भी रहना है, अपनी इच्छा भी बता दें। अब आप इच्छा पूरी करें ना करें, आपकी इच्छा है, मेरी अपनी इच्छा बता दी, मेरी योजना ये थी, अब आप जैसी योजना बनाएंगे वो हमें स्वीकार होने चाहिए। तो अनन्य चिंतयंतो माम ये जना परिपास्ते, जो पूर्ण रूप से अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करते हैं और सुंदर रूप से उनकी पूजा करते हैं, तो क्या आते हैं, तेषां नित्य विभुक्ता नाम योगक क्षेम वहामि हम, जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ और जो नहीं है वो देता हूँ। हम देखें, हम लोगों की चिंता इन्हीं दो बातों में है कि जो है वो कोई छिन ना जाए और जो नहीं है वो मिल जाए, इसी बात की चिंता होती है ना। तो हम लोग क्यों यार चिंता करते हो, इसकी इसकी चिंता मैं करूँगा और तुम क्या करो, मेरा चिंतन करो, एक्सचेंज कर लेते हैं तुम मेरा चिंतन करो, मैं तुम्हारी चिंता करूँगा, है ना? तो योग क्षेम वहां भी हम, और हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी जलदूत में थे, 70 वर्ष की अवस्था, 2 हार्ट अटैक्स, प्रभुपाद ने खूब प्रार्थना की अपने लेने की, बचा लो बचा लो, गुरु का मिशन है, मैं इसलिए बाहर जा रहा हूँ, देख लो, मैं तो चाहता हूँ आगे जाकर खूब प्रचार करूँ। एकदम समुद्र शांत हो गया, वहाँ मेरी छोटी सी बात है, माया दक्षिण प्रकृति, सूर्य को शांति, समुद्र को शांति तो करना है, शांत कर दिया। अगले दिन उठे, समुद्र एकदम शांत, कैप्टन पांडा थे जलदूत के कैप्टन, बोले स्वामी जी इतना शांत समुद्र मैंने कभी नहीं देखा। और उनकी पत्नी कहती है कैप्टन पांडा की, स्वामी जी हमेशा हमारे साथ चला कीजिए, जब जब आप साथ रहेंगे समुद्र शांत रहेगा।
ये भगवान पूर्ण रूप से रक्षा करते हैं, हमेशा ये विश्वास होना चाहिए, है ना। रक्षा से दीति विश्वास हो, ये भक्ति है, ये समर्पण का लक्षण है। तो इसकी टीका में जो भगवद्गीता का ये श्लोक है, अनश चिंतयंतो माम ये जना परिपासते, विश्वामित्र ठाकुर जी को रसिक आचार्य कहा जाता है, हर चीज में वो रस ढूंढ लेते हैं। तो इसकी टीका में बहुत सुंदर कहते हैं, बोले योगक्षेम वहामी अहम, वहामी का मतलब मैं खुद ढोता हूं। कोई कह सकता है भी भगवान शक्तियां हैं, किसी परासी शक्ति विविधे स्वेत्य अपनी शक्ति से काम करा लेंगे, नहीं, वहामी अहम, मैं ढोता हूं, मैं भक्तों के भोजों को ढोता हूं खुद। कोई कहे खुद ढोते हैं भगवान, बोले हाँ, इट्स ए बर्डन ऑफ लव। और क्या एग्जांपल देते हैं कैसे ढोते हैं, बोले जैसे एक प्रेमी प्रेमिका को प्रेम से उठाता है, तो बोलेगा नहीं प्रेमिका तुम बहुत मोटी होगी, हो बड़ा भारी हो। तो कितना भी हमारा बर्डन क्यों ना हो, भगवान उसको उठा लेते हैं। हमें क्या करना है, बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णदास बिंदास मायादास सदा उदास। हम भक्ति में करते उदास हैं तो इसका मतलब नास्तिकता की बात है। क्यों परेशान हो, भगवान पे विश्वास रखो, भगवान के प्लान्स निश्चित रूप से मेरे प्लान से बेटर होंगे। हु इज मोर इंटेलिजेंट, मी और कृष्णा? हम वाले क्या वाले बोलते हैं भगवान से, प्रार्थना करते हैं, भगवान जी बुद्धि हमारी, शक्ति आपकी, प्लान तो मेरा चलेगा। अब मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकूं, तो शक्ति आपकी चाहिए, ठीक है, ये डील करते हैं। बुद्धि हमेशा मेरी चलेगी, मुझे आपकी बुद्धि पर डाउट है, आप पता नहीं कुछ भी कर दे तो नहीं। बुद्धि भी आपकी, शक्ति भी आपकी, ज्यादा से ज्यादा मैं अपनी इच्छा प्रकट कर सकता हूँ, बाकी आप देखिए। तो भगवान हमारे जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। तो विष्णुचक्र ठाकुर जी भागवतम लिख रहे हैं तो वर्षा का प्रभाव ही नहीं हो रहा, कमाल है, और धूप है तो भगवान रक्षा कर रहे हैं, उसकी चिंता छोड़ दी उन्होंने। फिर वापस वृंदावन आए और वृंदावन ने बहुत सी पुस्तकें लिखी, लगभग 40 के लगभग उन्होंने पुस्तकें लिखी। और वो वृंदावन ने कई स्थानों में गए, गोवर्धन की गुफाओं में भी लिखा उन्होंने, वृंदावन में राधा गोकुल मंदिर में भी थे, जावट, जावट कौन सा स्थान है, राधा रानी का ससुराल, वहाँ भी थे। और एक बार वो गोवर्धन की गुफा में थे तो स्वयं कृष्ण प्रकट हुए और कृष्ण ने कहा कि तुम 6 गोस्वामी के जो ग्रंथ हैं उनके ऊपर कमेंट्री लिखो, क्योंकि जो 6 गोस्वामी ग्रंथ हैं वो बहुत ही मुश्किल संस्कृत में है, जनसाधारण इसको समझ नहीं पा रहा, इसके ऊपर आप टीकाएँ लिखो। तो फिर उन्होंने उनके ऊपर टीकाएँ लिखी और उनकी एक जो टीका है श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर मूलति सारार्थ वर्षिणी और भागवतम के ऊपर है सारार्थ दर्शिनी। तो शिला प्रभुपा जी, विष्णुचक्र ठाकुर जी का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रोल है ना, हम सब जानते हैं। जब प्रभुपाद जी भगवद्गीता की अपनी कमेंट्री लिख रहे थे तो प्रभुपाद जी विष्णुचक्र ठाकुर जी और बलदेव विद्याभूषण कमेंट्री दोनों को रेफर करते थे, और विष्णुचक्र ठाकुर जी कमेंट्री को जब रेफर कर रहे थे भगवद्गीता का दूसरे अध्याय का 41 नंबर श्लोक, मैं सात्मिका बुद्धि एके हर गुरु नंदना, तो जब ये पढ़ा और उसमें इसकी टीका में विष्णुचक्र ठाकुर जी लिख रहे हैं कि एक शिष्य के लिए गुरु के आदेश जीवन है, उसके लिए लाइफ एंड सोल। तो प्रभुपाद जी को अपने गुरु महाराज से आदेश मिले थे 1922 में कि अंग्रेजी भाषा में जाओ, मैं अंग्रेजी भाषा में जाके अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो विदेशों में जाकर। तो प्रभुपाद तब से योजनाएं बना रहे थे, पूरे उत्साहित थे, करना है मुझे, लेकिन तरीका समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये पढ़ा कि एक शिष्य के लिए गुरु के आदेश उनका जीवन है, प्रभुपाद को इतनी प्रेरणा मिली, प्रभुपाद बोले जितनी मर्जी बाधाएं आए, प्रभुपाद ने इसको स्वीकार कर लिया, यस, भक्ति सिद्धांत सभी ठाकुर महाराज के आदेश मेरा जीवन है। तो ये प्रभुपाद के लिए सबसे इंस्पायरिंग लाइन थी विष्णुचक्र ठाकुर जी के, और इसी को लेकर भक्ति सिद्धांत सभी ठाकुर महाराज जी के आदेश थे, विष्णुचक्र ठाकुर जी की प्रेरणा और प्रभुपाद जी का अपना समर्पण, उससे प्रकट हुआ इस्कॉन और हम सब इसमें आए। इसलिए विष्णुचक्र ठाकुर जी की जय, ये प्रेरणा इससे हम सीखते हैं कि जब हम पूर्ववर्ती आचार्यों के ग्रंथ पढ़ते हैं, श्रील प्रभुपाद ने सारे पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं को बहुत सरल भाषा में हमारे लिए प्रस्तुत कर दिया, तो उनको पढ़ना है, एक लाइन को भी हृदयंगम कर लें, हमारा जीवन भी बदलेगा, हम पूरे समाज को बदल सकते हैं। विश्वनाथ ठाकुर जी की एक वाक्य ने पूरे विश्व को हिला दिया। आप सोचिए, एक वाक्य ने,
कि गुरु के आदेश शिष्य के लिए जीवन है, उस एक वाक्य को प्रभुपाद जी ने हृदयंगम किया, इंटरनेशनल सोसाइटी बन गया, आज 700 केंद्र हैं और लाखों लाखों लोगों का जीवन बदल गया एक वाक्य से। सोचिए कितनी शक्ति है शुद्ध भक्तों के हृदय से निकले एक वाक्य में भी। तो हम भी प्रभुपाद जी के तात्पर्य पूरे उनकी वाणी से निकले एक किसी वाक्य को पकड़ लें, हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा और हम दूसरों का जीवन भी बदल सकते हैं। ये शक्ति है ना। तो इस ढंग से उन्होंने कथाएं लिखी, टीकाएं लिखी। तो मथुरा में एक ब्राह्मण थे जिनके पास एक बहुत सुंदर विग्रह थे जिनका नाम था गोकुलानंद, और ये बहुत उनकी अच्छे ढंग से सेवा करते थे, टॉप क्लास फर्स्ट क्लास अर्श विग्रह की सेवा। फर्स्ट क्लास अर्श विग्रह की सेवा का अर्थ है अर्च विग्रह की इच्छा के अनुसार सेवा करना, है ना। अर्च विग्रह को एक एटीएम काउंटर की तरह यूज नहीं करना कि जो मुझे अच्छा लगता है फटाफट टन टन भोग लगाया चलो जी। प्रारंभिक अवस्था में ठीक है, लेकिन जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं हमें भगवान की क्या इच्छा है उसके हिसाब से करना है। तो खूब अच्छे ढंग से उनकी सेवा करते थे। तो गोकुलानंद जी इस ब्राह्मण के स्वप्न में आए कि मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन मेरी एक इच्छा है, मेरा एक और भक्त है विश्वनाथ, मैं चाहता हूँ अब वो मेरी सेवा करें। बेचारा रोने लगा, मैं आपकी इतनी सेवा कर रहा हूँ और आप बोले, मैं जानता हूँ आपको दुख होगा लेकिन मेरी इच्छा है वो मेरी सेवा करें। ठीक है, जैसे भगवान की इच्छा, वो तो हमेशा भगवान की इच्छा के अनुसार ही चलते थे। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर के पास गए गोवर्धन में कि भैया वो गोकुलानंद जी आपके पास आना चाहते हैं। वो बोले मैं तो क्या है, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं तो भटकता रहता हूँ इधर उधर, मैं कहाँ सेवा कर पाऊँगा, आप इतनी अच्छी सेवा करें आप ही करते रहिए। ठीक है, कुछ दिनों के बाद फिर भगवान आए, दिया नहीं आपने। बोले वो लेने को तैयार नहीं है। बोले नहीं, मैं उसके सपने में भी आऊँगा, उसको भी आदेश दूंगा, लेकिन अब मैं उन्हीं के पास जाना चाहता हूँ, मेरी इच्छा वो मेरी सेवा करें। देखिए भगवान अपने भक्तों को चुनते हैं किनसे सेवा लेनी है। इसी ढंग से माधवेंद्रपुरी जी का भी हम देखते हैं, जब वो गोविंद कुंड पे थे स्वयं भगवान आए उनके लिए दूध लेकर, भगवान कह रहे थे मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब तुम आओगे और मुझे निकालोगे यहाँ से, वह किसी और के भी स्वप्नों में आ सकते हैं। भगवान चुनते हैं अपने भक्तों को। तो विष्णु अच्छा ठाकुर जी के स्वप्न में आए गोकुलानंद जी, बोले विश्वनाथ मैं चाहता हूँ तुम मेरी सेवा करो। भगवान का इतना सुंदर रूप देखा उन्होंने, भगवान की वाणी सुनी, सुनी आप में से किसी ने क्या सौभाग्य होगा, भगवान बोल रहे हैं और भगवान प्रकट हुए कि मैं चाहता हूँ तुम मेरी सेवा करो। विश्वनाथ चक्रवर्ती उठे, भगवान को प्रणाम किया, एकदम गदगद हो गए। तभी उनकी जो कुटिया थी टक 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 आवाज आई, खोला तो सामने भगवान खड़े हैं उस ब्राह्मण के हाथ में, मैं आ गया हूँ। और फिर विश्वनाथ जी उनको स्वीकार किया। तो आज वो गोकुलानंद जी हैं, वृंदावन में हम जाते हैं, राधा गोकुलानंद जी का मंदिर है, तो वहाँ पर विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी के सेवित विग्रह हैं। और उस मंदिर में हम देखते हैं गोवर्धन शिला भी है जिसकी चर्चा हमने कल की थी। तो गोवर्धन शिला कहाँ से आई थी, चैतन्य महाप्रभु, है ना। चैतन्य महाप्रभु एक ब्रजवासी आए थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को दिया था ये गोवर्धन शिला। और फिर महाप्रभु ने, बहुत प्रिय थी महाप्रभु की शिला, महाप्रभु ने करुणावश ये शिला दी थी रघुनाथ दास गोस्वामी जी को। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी जी उस शिला को ले आए थे राधा कुंड में और उनकी सेवा कर रहे थे। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने वो शिला दी थी कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के एक शिष्य थे मुकुंद, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने शिला दी थी मुकुंद को। और फिर मुकुंद ने ये शिला दी थी कृष्णप्रिया ठाकुरानी को, ये भी बहुत बड़ी वैष्णवी थी। कृष्णप्रिया ठाकुरानी कौन थे, कृष्णप्रिया ठाकुरानी गंगा नारायण चक्रवर्ती की सुपुत्री थी। गंगा नारायण चक्रवर्ती कौन थे, नरोत्तम दास ठाकुर जी के शिष्य थे, है ना। तो ये कनेक्शन। और ये कृष्णप्रिया ठाकुरानी जी ने ये गोवर्धन शिला दी विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर जी को। तो ये विष्णु चक्र ठाकुर जी ने इस ढंग से फिर सेवा शुरू की। और विष्णु चक्र ठाकुर जी ने कहीं उस समय जो सहिजिया थे वृंदावन में उनका खंडन किया। तो एक श्रीनिवास आचार्य जी की पुत्री थी हेमलता ठाकुरानी, तो हेमलता ठाकुरानी के शिष्य थे रूप कविराज। तो ये रूप कविराज आतिबाड़ी अप संप्रदाय में से थे। आतिबाड़ी संप्रदाय क्या है कि ये बोलते हैं बस खाली स्मरण करो, श्रवण कीर्तन की जरूरत नहीं है। सहिजिया थे और साथ में क्या करते थे, ये बोलते थे गुरु वही बन सकता है जो वैरागी आश्रम में है,
गोस्वामी हैं जो गृहस्थ आश्रम है वो गुरु नहीं बन सकते, उल्टा सीधा प्रचार कर रहे थे, सहिज्या थे। तो विष्णु शंकर ठाकुर जी ने उनका खूब खंडन किया, अपने भागवतम के तीसरे स्कंद की टीका में देके जीव गोस्वामी को कोट करते उन्होंने खंडन किया। इसी प्रकार से बहुत से जात गोसाई थे कि हम नित्यानंद जी के वंश से हैं, हम मध्वाचार्य जी के वंश से हैं, तो उनके जो भी पुत्र होता था उनका आगे टाइटल गोस्वामी लगाते थे। तो विष्णु शंकर ठाकुर जी ने बोला नहीं, गोस्वामी टाइटल नहीं है, गोस्वामी का अर्थ है जो इंद्रियों का स्वामी हो, आप किसी को ऐसे गोस्वामी का नाम नहीं दे सकते। तो उनका भी खंडन किया। जब ऐसा खंडन किया तो ये लोग उनके शत्रु बन गए, है ना। भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर महाराज कहते हैं कोई जोर शोर से प्रचार कर रहा है, ये कैसे मान चलेगा कोई जोर शोर से प्रचार कर रहा है कि उसके शत्रु बनेंगे। सब ठीक है जी, सब ठीक है, सब बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, इसका ना प्रचार ठीक नहीं कर रहे हो। भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर महाराज के एक शिष्य कहीं प्रचार करने गए, रिपोर्ट आई, वहां तो लोगों ने उठा उठा के कुर्सियां फेंकी इनके ऊपर, कह रहे वेरी गुड, ये होता है प्रचार। धूम धड़ाका हो गया, एकदम क्रांति आ गई। केवल लोगों को खुश करने के लिए जो उनको अच्छा लगता है वही बोलना, वो प्रचार नहीं है। हम जो प्रचार कर रहे हैं गुरु परंपरा को प्रसन्न करने के लिए बोलना है। तो हम लोगों को अभी इतनी आदत नहीं पड़ी, ठीक है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती लोगों को हमने दुखी करना ही करना है, अंडे फेंक के तुम लगा प्रचार हुआ, ऐसा इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि उस समय हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि गौड़िया वैष्णव के नाम पे कितनी उल्टा सीधा प्रचार होता था, और ऐसे लोगों के बीच में जब सत्य बोला जाता था तो वो बहुत विरोध करते थे, शत्रु बन जाते थे, जान के दुश्मन बन जाते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी मारने के लिए उस समय पुलिस को उन्होंने 25,000 रुपये रिश्वत दी थी। पुलिस वाले बोलते हैं रिश्वत तो लेते हैं लेकिन साधु को मारने के लिए नहीं लेते, इतना तो चरित्र है हमारा, उस समय था बोल रहा। तो उन्होंने आके बताया भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज को। रामानुजाचार्य जी के ऊपर भी आक्रमण हुआ था, इसीलिए हमारे आचार्यों को बहुत कुछ सहना पड़ा। तो विष्णुचक्र ठाकुर से भी लोग बड़े परेशान हो गए, ये तो हमारा खंडन कर रहा है। तो सब ऐसे लोगों ने सोचा अब इनका काम तमाम करना चाहिए, इनकी हत्या कर देनी चाहिए। तो एक बार ये वृंदावन के निकुंज से निकल रहे थे, वो पीछे पड़ गए इनके, इनको मारने के लिए, और विष्णु चक्र आगे आगे भाग रहे थे, ये पीछे पीछे। अचानक एक और निकुंज जाता है तो ये देखते हैं विष्णु चक्र ठाकुर गायब हो गए, और देखते हैं एक छोटी सी बालिका बड़ी सुंदर सी, और उसके साथ उसकी बहुत सी उसकी सखियाँ सब फूल तोड़ रही हैं। तो बोले अरे कहाँ गए, उस बच्ची से पूछा, अरे आपने देखा है था विष्णु चक्रवर्ती, बोले हाँ अभी तो यहीं थे, पता नहीं कहाँ चले गए, थे अभी थे ही थे, कहाँ गए, बड़े परेशान थे। तो उस बालिका ने बोला देखो जल्दी से निकल जाओ, अभी राधा रानी आ रही है जावट से, तो कोई पुरुष बचना नहीं चाहिए यहाँ पे। ये कह के वो भी अप्रकट हो गई, उसकी सारी सखियाँ भी अप्रकट हो गई, और उनके स्थान पर खड़े हो गए विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर। सारे ब्रजवासियों ने देखा अरे ये साक्षात कौन है, मंजरी थी, राधा कृष्ण की लीला में विष्णु चक्र ठाकुर जी विनोद मंजरी हैं। तो उन्होंने तुरंत प्रणाम किया और समझ गए भैया किससे आप बात कर रहे थे, ये कोई साधारण जीव नहीं है, भगवान की सेवा में मंजरी हैं। मंजरी आप जानते हैं जो छोटी गोपियाँ होती हैं और जो कि भगवान राधा कृष्ण की गुह्यतम लीलाओं में प्रवेश कर सकती है। उन गुह्यतम लीलाओं में गोपियों को भी आज्ञा नहीं है जहाँ तक ये मंजरियाँ प्रवेश कर सकती हैं। तो विष्णु चक्र ठाकुर जी ने इस प्रकार से भगवान हमेशा उनकी रक्षा करते थे। एक बार विष्णु चक्र ठाकुर जी काम गायत्री के ऊपर टीका लिख रहे थे, तो टीका लिखते हुए आप जो लोग जो ब्राह्मण दीक्षित है वो जानते हैं काम गायत्री मंत्र को। काम गायत्री मंत्र से हम श्रीमती राधारानी की पूजा करते हैं और ये सभी गायत्रियों में सर्वोत्तम गायत्री है। तो उसको जब लिख रहे थे तो ये संस्कृत के बहुत बड़े पंडित थे, तो उसमें इनको संस्कृत के 25 अक्षर नजर आ रहे थे। लेकिन चैतन्य चरितामृत पढ़ी तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि काम गायत्री में 24.5 अक्षर है, और चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी उसमें भी काम गायत्री मंत्र के बारे में बता रहे हैं, उसमें 24.5 अक्षर बता रहे हैं। ये संस्कृत के प्रखर पंडित बार बार गिन रहे हैं तो 25 आ रहे हैं, व्याकरण की दृष्टि से देख रहे हैं तो 25 अक्षर आ रहे हैं। बोले क्या है, समझ में नहीं आ रहा। तो क्या बोला उन्होंने सोचा, समझ में नहीं आ रहा तो उन्होंने सोचा मैं उपवास रखूंगा, राधा कुंड के तट पे बैठ के उपवास रखा उन्होंने। ये हमारे आचार्य होते थे, कोई बात समझ में नहीं आती थी तो भगवान से प्रार्थनाएं करते थे और जब तक समझ नहीं आएंगी उपवास रखेंगे।
अगर हमने नकल मारी अरे तो पुस्तक नहीं खुलती, खुल गई और पहला अक्षर ही समझ में नहीं आया बड़ा रिस्की है ना। अद्वैताचार्य जी भगवत गीता पढ़ रहे थे, 13वां अध्याय पहुंचे है ना, और भगवान कह रहे मैं सब जगह मेरे हाथ हैं, पांव हैं, आंखें हैं। अद्वैताचार्य जी को समझ में नहीं आया, उपवास रख लिया, और फिर महाप्रभु उनके स्वप्न में आए, पूरा अर्थ समझाया, तब जाकर उन्होंने कुछ खाया। इसी ढंग से राधा कुंड के तट पर विष्णु चक्रवर्ती जी उपवास रख रहे हैं कि काम गायत्री में 24.5 अक्षर कैसे है, 25 होने चाहिए। तब श्रीमती राधा रानी के स्वप्न में आई और राधा रानी बोला, ये विश्वनाथ कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं, वो भी एक मंजरी है ना, 8 मुख्य मंजरी आपको मालूम है, 6 गोस्वामी हैं हमारे और 7वीं हैं लोकनाथ स्वामी जी और 8वीं हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, अष्ट प्रमुख मंजरियाँ, तो वो भी प्रमुख मंजरी है, कस्तूरी मंजरी है। उसने जो लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है, और वास्तव में क्योंकि जो 24.5 अक्षर हैं, कृष्ण की देह में 24.5 चंद्र हैं, है ना, कहाँ पे चंद्र हैं कृष्ण की देह में, 24.5 चंद्र हैं कृष्ण की देह में, हाँ 20 तो नाखून हो गए, 10 हाथ के, 10 पांव के, 2 गाल ये चंद्र के समान हैं, 22, और भगवान के माथे पे तिलक 23, और भगवान का पूरा मुखारविंद ये 24। इस मुख को चंद्रों का राजा बताया गया है ना, कि चंद्रों के सिंहासन पे राजा कर रहे हैं, ये खुद चंद्र हैं, तो हो गए 24। और भगवान का जो माथा है वो है आधा चंद्र, तो है 24.5। मैंने जो मंत्र है क्लिम काम देवाय विद्महे ना, देवाय या शब्द है बोले ये आधा है, इसलिए 24.5 है। फिर भी राधा रानी ने सोचा कि ये तो बड़ा बड़ा पंडित है, तो राधा रानी ने शास्त्र का भी नाम बताया रेफर स्क्रिप्चर्स देखो राधा रानी जी भी शास्त्र बता रही, बोले आप जाओ और ये शास्त्र पढ़ो, वर नगम भाष्वदी, और कृष्णदास कुलजी गोस्वामी ने भी यही शास्त्र पढ़ के 24.5 अक्षर लिखे थे, ठीक है ये बताया। जब ये सुना स्वयं राधा रानी आ रही हैं उनके डाउट को क्लियर करने के लिए, तो विष्णु चक्रवर्ती जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने शास्त्र को भी देखा, उसमें इस ढंग से समझाया गया, और सिर्फ उनको लगा कि श्रीमती राधा रानी ने उनको आप अपने सेवा में स्वीकार कर लिया। तो उनका चरित्र बहुत महान है, और उन्होंने वास्तव में गौड़िया वैष्णव सिद्धांत की रक्षा की। क्या हुआ कि सारे के सारे जो षड गोस्वामियों के विग्रह थे जयपुर में थे, और जयपुर के राजा जय सिंह राधा गोविंद देव जी की पूजा कर रहे थे, तो उस समय वहाँ पे कुछ रामानंदी संप्रदाय से लोग थे, उन्होंने गौड़िया वैष्णव की निंदा करनी शुरू कर दी कि आप जो ये राधा गोविंद की पूजा कर रहे हो, राधा रानी की पूजा कौन से शास्त्र में लिखी हुई है, तो आपकी अप संप्रदाय है, आप वैदिक शास्त्रों के अनुसार नहीं चल रहे। तो उसमें राजा जय सिंह जितने भ्रमित हो गए कि उन्होंने राधा गोविंद मंदिर से राधा रानी को हटा दिया और गोविंद देव जी की पूजा करने लगे, और राधा रानी की वो अलग से व्यक्तिगत रूप से पूजा करते थे, वो बहुत दुखी भी थे। तो उन्होंने फिर विष्णु चक्र ठाकुर जी को पत्र भेजा कि आप आइए और इसको सुलझाइए। तो विष्णु चक्र ठाकुर जी उस समय बहुत वृद्ध अवस्था में थे, लगभग 68 वर्ष की आयु थी, ये बात 1706 की है। तो विष्णु चक्र ठाकुर जी ने फिर अपने प्रमुख शिष्य बलदेव विद्याभूषण से कहा कि आप जाइए। तो बलदेव विद्याभूषण वहाँ पर गए, तो जयपुर में एक स्थान है गल्टा, देखा आपने स्थान गल्टा, गए कितने लोग गए गल्टा में, बहुत अच्छी जगह है, पहाड़ी पे है। तो वहाँ पे ये शास्त्रार्थ हुआ, और जो रामानंद संप्रदाय है उनका पहला जो संशय था कि आप लोग पहले नारायण की पूजा क्यों नहीं करते, आप कृष्ण को क्यों पूजते हैं। बलदेव देवेशन ने क्लियर किया, नहीं कृष्ण ही मूल नारायण है, सारे भागवतम से और ग्रंथों से प्रदर्शित किया कि सब कारणों के कारण कृष्ण है, तो कृष्ण की पूजा पहले होगी। फिर दूसरा बताया कि आप श्रीमती राधा रानी की पूजा क्यों करते हैं, तो उसके लिए भी बलदेव देवभूषण जी ने शास्त्रों से उदित किया। फिर तीसरा जो उनका मेन उनका ऑब्जेक्शन था कि आप लोगों के पास वेदांत सूत्र के ऊपर कोई टीका नहीं है, इसलिए आपकी संप्रदाय को प्रमाणिक नहीं माना जाएगा। तो बलदेव देवभूषण जी ने कहा कि वेदांत सूत्र के ऊपर स्वाभाविक टीका श्रीमद भागवतम है, इसलिए हमारे किसी आचार्य ने टीका लिखी नहीं। बोले नहीं, अगर आप अपने आप को प्रमाणिक संप्रदाय कहलाना है तो आपको वेदांत सूत्र पर एक टीका होनी चाहिए प्रमाणिक। तो विष्णु चक्र ठाकुर बलदेव विष्णु ने बोले, राजा जयसिंह ने भी बोला हाँ बात तो बिल्कुल ठीक है। तो
कितना समय दिया? बहुत कम समय दिया, 3 या 4 दिन का। 3-4 दिन में पूरे वेदांत सूत्र पे टीका लिखना, बलदेव विद्याभूषण जी बड़े असहाय अवस्था में आ गए और गोविंद देव से खूब प्रार्थनाएं की। तुम गोविंद जी ने बोला चिंता मत करो, लिखो। अरे कैसे लिखूंगा? बोले मैं बोलूंगा तुम लिखोगे। और गोविंद जी ने बोला और उन्होंने लिखा। तो इस टीका को क्या बोलते हैं? गोविंद भाष्य। तो इस ढंग से फिर इस गौड़िया वैष्णव संप्रदाय की उन्होंने रक्षा की। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि विष्णुवंशी ठाकुर जी इज आवर गार्जियन प्रोटेक्टर एंड मेन आचार्य। और उसके बाद फिर यही कार्य भक्तिनाथ ठाकुर जी ने किया। फिर से अब संप्रदाय आ गई थी, फिर से भक्तिनाथ ठाकुर जी ने सिद्धांत को स्थापित किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं कि हम लोगों को इस राह पे चलने के लिए, भक्ति के मार्ग में चलने के लिए इतने जंगली पौधों को उखाड़ना पड़ा कि पूरा जीवन इसी में लग गया। और हमारे पास ये सब कितना फर्स्ट क्लास पैकेज होकर हमारे पास ये उपस्थित है। हमें इन आचार्यों के प्रति बहुत ही कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से सभी आचार्यों की टीकाओं का सार हमें उनके ग्रंथों में मिल गया। हमें बस केवल उनको पढ़ना है। सब कुछ प्लेट पे मिल गया हमें। इतनी सुंदर सुविधाएं हैं, इतना सुंदर मंदिर, बढ़िया प्रसाद। हमें कोई चिंता नहीं करनी, कुछ नहीं करना है ना। समय से प्रसाद मिल जाता है, इतने सुंदर विग्रह, सब सिस्टम तैयार है। हमें कल क्या करना है? अपने आप को अप्लाई करना है बस। और सबसे बड़ी कमजोरी क्या आती है? सबसे बड़ी दिक्कत हमारा मन। तो इस मन को हम रोकें अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास क्या करें? जो आचार्यों ने, जो शिला प्रभुपाद जी ने हमें बताया है, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वचन। संकल्प करें अभ्यास, त्यागे वैराग्य। जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको त्यागे, जो भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करें। तो इस प्रकार से ये हमें शक्ति प्राप्त हो, ये हम आचार्यों से प्रार्थना करते हैं। और ये सभी आचार्य प्रकट हुए हैं हमें भगवत धाम वापस ले जाने के लिए। इन सब ने इतना संघर्ष सहा है कि हम इस बद्ध अवस्था से बाहर आके भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर सके। वो हमारा असली अधिकार है। तो इस संसार के छोटे छोटे सुख और दुख के पछड़ों में फंस के हम अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाते हैं। आज के इन महान दिनों में हमें अवसर मिलता है कि फिर से हम अपने जीवन के लक्ष्य पे दृढ़ हो जाएं। क्योंकि संसार इतना भटकाने वाला है, इतना बिवेल्डरिंग है, हमारे सामने ऐसी ऐसी अर्जेंट अर्जेंट प्रॉब्लम्स लेकर आ जाएगा कि हम अपने मुख्य लक्ष्य को, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसको भूल जाते हैं। तो आज श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनंदन ठाकुर, श्री पुंडरीक विद्यानंदी, श्रीमती विष्णु प्रिया माता से खूब प्रार्थनाएं करें कि उनके अंदर जो दृढ़ता थी, उनके अंदर जो समर्पण था, जो डेडिकेशन था, वो हमें भी प्राप्त हो और हम उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार सकें। ये केवल उनकी कृपा से ही संभव होगा। श्री विष्णुचंद्र ठाकुर पाद की जय। श्री रघुनंदास गोस्वामी जी की जय। श्री रघुनंदन ठाकुर की, श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी की, विष्णु प्रिया माता जी की, वसंत पंचमी महोत्सव की, निताय गौर प्रेमानंदे, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न या टीका है? क्वेश्चन माइक है? यस पूछे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे मैं जो फैमिली से बिलोंग करता हूँ ना, वो सिंधी टाइप सिंधी हैं, सिंधी तो वो बोलते हैं कि राधा रानी की पूजा होनी चाहिए क्योंकि राधा रानी ने सब कुछ सिखाया कृष्ण को। ये कहाँ तक सच्चा? बोले युद्ध कलाएं भी उन्होंने सिखाई है और सब कुछ एक तरह से राधा रानी ने सिखाई है, तो वो हरे कृष्णा नहीं बोलते और राधा राधे राधे बोलते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? हरे कृष्णा जैसे हम बोल रहे हैं तो राधे राधे। ठीक बात है, राधा रानी की पूजा होनी चाहिए। और राधा रानी की पूजा मीन्स उनको खुश करना है, और राधा रानी सबसे ज्यादा प्रसन्न होती है जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं, ठीक है ना। स्वयं चैतन्य महाप्रभु कृष्ण राधा रानी के भाव में आए, उन्होंने क्या बोला? कृष्णा 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 हे, बोले राधे राधे राधे। और स्वयं राधा रानी के भाव में, तो राधा रानी बहुत प्रसन्न होंगी जब हम कृष्ण का नाम लेंगे, कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे जब राधा रानी का नाम लेंगे। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
तो ये एक्सट्रीम जो दृष्टिकोण है ना, ये शास्त्रों के अनुसार नहीं है। यस, हम भी शक्ति की पूजा करते हैं, भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं। असली शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी। बिल्कुल ठीक बोला, राधा रानी कृष्ण की गुरु हैं, कृष्ण आदि गुरु हैं, लेकिन उनके गुरु कौन है? श्रीमती राधा रानी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण को पूजा ही ना, क्योंकि राधा रानी कहती है मैं तो कृष्ण के, राधा रानी के केवल आराध्य कृष्ण ही हैं बस। इसलिए हम भी कृष्ण को इसलिए पूजते हैं क्योंकि वो राधा रानी के प्रिय है। राधे राधे बोलना ठीक रहेगा कि हरे कृष्ण? राधे राधे बोलना गलत नहीं है, कोई अपराध नहीं है, लेकिन क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला हरे कृष्णा बोलो, तो हम हरे कृष्णा बोलो। हरे का मतलब ही राधा रानी है। हरे का मतलब क्या है? राधा रानी। ठीक है, थैंक यू। कृष्णा गुरु जी थैंक यू वेरी मच। प्रभु जी आप जैसे बता रहे थे कि एक लाइन थी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के, उससे इतना कुछ हो गया। हमारे पास इंस्ट्रक्शंस का पूरा वो है, भंडार है, लेकिन हम वेदाबेस है, पूरा वेदाबेस है, हर चीज है, पूरा इंस्ट्रक्शंस है। श्रीमद् भागवतम भगवदगीता प्रभुपाद जी के इतने इंस्ट्रक्शंस हैं, महाराज जी आते हैं इतने इंस्ट्रक्शंस देते हैं, बट वैसे हम नहीं, उस तरह से हम फिक्स नहीं हो पाते हैं। मतलब इसका क्या कारण है कि हम उस एक इंस्ट्रक्शन को लिए उस पर हम चल नहीं पा रहे हैं? हमने मन को गुरु बनाया हुआ है, है ना? हमारे शिक्षा गुरु मन है और दीक्षा गुरु गूगल है और दोनों ही भटकाते रहते हैं हमें, और इसमें हम फंसे हुए हैं। तो आज के दिनों में हम यही प्रार्थना करें कि हम इन शिक्षाओं के महत्व को समझ सकें। हम इतना कुछ मिल रहा है, इतनी आसानी से मिल रहा है कि वी आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड। तो यही प्रार्थना करें कि इसको हम गंभीरता से लें, तो एक भी वाक्य हम समझ गए तो पूरा जीवन बदल जाएगा। तो ये कृपा से है, कृपा से याचना करें, गंभीरता से लेने का प्रयास करें तो होगा। थैंक यू प्रोजी, वंडरफुल क्लास। प्रोजी आपने जब ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी के बारे में बता रहे थे, तो एक इंसिडेंट आपने बताया था कि जब रघुनाथ दास गोस्वामी भजन करने लग गए थे राधा कुंड के किनारे, तो फिर वहाँ पे सनातन गोस्वामी थे शायद, उन्होंने उनको कहा कि आप मतलब आप क्यों भगवान से सेवा ले रहे हो, आप अपने लिए भजन कुटीर बनाओ। तो यहाँ पे दोनों ही आचार्य हैं और दोनों ही मतलब हमको फिर क्या सिखा रहे हैं, मतलब ये चिंतन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप अपने लिए भजन कुटीर बनाइए, मतलब हमको क्या इससे शिक्षा लेनी है दोनों के हिसाब से? भजन कुटीर बतानी है कि चिंता करनी है? चिंतन करना है, हमें क्या शिक्षा लें? तो भजन कुटीर में चिंतन करो प्रैक्टिकल रहो, भजन कुटीर में रहो, चिंतन करो। जरूरी है कि भगवान की सेवा मत लो ना। कई लोग बोलते हैं मंदिर में आ रहा हूँ, गाड़ी खुली छोड़ के आऊँगा, राधा माधव देखेंगे वापस गए तो गाड़ी नहीं है बोले राधा माधव ने रक्षा नहीं की। नहीं, भगवान को सेवा में मत लगाओ, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है कि जो शरीर के लिए आवश्यक है वो मिनिमम करो। सर्दी पड़ रही है, नहीं जी मैं तो स्वेटर नहीं डालूंगा, श्रीमती राधा रानी शॉल लेके आएंगी मेरे लिए, है ना? वो होगा भी नहीं, क्योंकि हम रघुनाथ दास को समझने के लेवल के भी नहीं है। तो इसलिए अपने जितनी हमारी लिमिट है उसमें रहें, और जो शरीर के लिए आवश्यक वो ले लेना चाहिए। इनसे सिद्धांत समझने हैं, इसको इमिटेट नहीं करना। तो ठीक है, जो सुविधा है, जो भजन कुटीर है उसमें बैठ के अच्छा चिंतन करो। हमारा तो डीलक्स भजन कुटीर है, क्या चाहिए, है ना? जब ग्रंथ लिख रहे थे तो बारिश का एक बूंद भी उन पे नहीं पड़ रहा था, पर जब वृंदावन पे मतलब इतना मुगलों ने अटैक किया तो तब ऐसा कुछ कुछ हुआ नहीं कि मतलब सारे ड्यूटीज को मदन मोहन जी को, गोपीनाथ जी को, गोविंद देव जी को बाहर निकालना पड़ा, जयपुर भेजना पड़ा, तो उस मतलब इस चीज़ को कैसे समझे कि उस टाइम कुछ ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ कि सब कुछ सेव हो जाए? तो उस समय ऐसा क्यों नहीं, कृष्णा सुप्रीम कंट्रोलर, भगवान की इच्छा है, भगवान आपने ऐसा क्यों नहीं किया? भगवान पे केस थोड़ी कर सकते हैं हम कि आप क्यों नहीं आए तो हम रक्षा करने, ये क्या तरीका है, ये पार्शियलिटी है? नहीं, भगवान लीला कर रहे हैं, भगवान की अपनी लीलाएं हैं। तो भगवान कई बार ऐसे लीलाएं करते हैं नास्तिकों की शक्ति को बढ़ाने,
और भक्ति की गुह्यतम बातों को छुपाने के लिए, भक्ति राज गुह्यम है, भक्ति के महत्व को छुपाने के लिए, नास्तिकों के बल को बढ़ाने के लिए, ताकि फिर किसी भक्त का चरित्र निकल कर आता है। भगवान का तो बहुत बड़ा प्लान है ना, कृष्णा सी अवे थे सो दैट वे इससे जो राजपूत गण थे उनकी भक्ति निकल के आई है ना, जयपुर में सब ले गए, और उसके बाद जो इसके और लीलाएं हैं, कई आचार्य किस लिए आए, बलदेव विद्याभूषण जी, तभी तो सब हुआ ये सब। तो भगवान की योजना को हम समझ नहीं सकते, इनकंसीवेबल। यस प्रोजी, हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। मैं दो क्वेश्चन है, पहला आपने बताया था कि जब वो प्रभु ग्रंथ लिख रहे होते हैं तो वो भगवान लीलाएं करते हैं, तो हम इससे सीख सकते हैं कि अगर हम दिन में अगर एक दो श्लोक लिखें भागवतम के तो हमें एक्स्ट्रा मर्सी मिल सकती है, मतलब थोड़ी सी और माला के अलावा। तो और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है प्रभु, हम जैसे मटेरियल वर्ल्ड से आते हैं तो हम उसमें कई सारे रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं, पर जब हम धीरे धीरे वैराग्य की तरफ बेबी स्टेप्स लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो रिलेशन हर्ट होते हैं। ऑल दो वो हम भगवान के लिए कर रहे हैं वो सही है, बट हमें अंदर से फीलिंग आती है कि वो हमने उस व्यक्ति को हर्ट किया है, तो उसको कैसे अपने मन को काउंटर करें, ये दूसरा सवाल मेरा। तो मैं पहला दूसरा सवाल पहले ले लेता हूँ। तो वैराग्य का अर्थ कठोर हृदय का होना नहीं है, है ना। कई बार भक्ति के प्रारंभिक वर्षों में हम वैराग्य का कुछ गलत मतलब लेते हैं, नहीं 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 बस बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब वैराग्य का मतलब है जितना हमारे हृदय में वैराग्य होगा, वास्तविक वैराग्य होगा, उतना हमारा हृदय कोमल होगा। कि ऐसा वैराग्य भक्ति की संतान है ना। चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास ले रहे हैं, विष्णुप्रिया माता रो रही है, सच्ची माता द्वार पे खड़ी है, बूढ़ी माता विधवा, चैतन्य महाप्रभु से बोल रही है तुम चले गए तो मेरा सब कुछ खत्म है, मैं क्यों जीऊँगी। और महाप्रभु के पास कोई आंसर नहीं है, महाप्रभु भी मुँह लटका के रो रहे हैं, गला गदगद हो गया उनका, लेकिन एक हायर मिशन है इसके लिए वो निकले। और उसके बाद भी जगन्नाथपुरी में जाके भी अपनी माता का पूरा ध्यान रखा उन्होंने, उनके लिए प्रसाद भिजवाते रहे, उनके लिए दूध भिजवाते रहे, उनकी देखभाल देखते रहे। तो ये वैराग्य का अर्थ किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना नहीं है, समझे। तो हमें अपने डीलिंग्स में बहुत ही अफेक्शनेट, बहुत ही प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, और अननेसेसरी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, ये वैराग्य नहीं है ना। हो सकता है कि मैं अपने आचरण से ऐसे करूं कि किसी को भी हम हर्ट ना करें, राइट। और पहला है कि यस, भागवतम के हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम श्लोक याद कर लें, श्लोकों का उच्चारण करें, श्लोकों को याद करें, उससे बहुत कृपा मिलेगी। यस माता जी पीछे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। जैसे इन्होंने प्रभु जी ने प्रश्न पूछा था ना कि राधा रानी को मतलब सबसे सुप्रीम है, तो उसका उनके लेवल पता अभी हमें हमारे पहुंचने की वो नहीं है, तो उनको प्रसन्न करने के लिए कृष्ण को प्रसन्न करना पड़ेगा, उनसे पहले महाप्रभु को और सबसे पहले नित्यानंद जी को। तो फिर नित्यानंद जी मतलब से प्रे करनी चाहिए ना कि हमें राधा रानी की शरण। बिल्कुल ठीक बात है, नित्य बिना राधा कृष्ण पाते ना। तो नित्यानंद प्रभु है और नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि हैं गुरु, गुरु को पकड़े, और गुरु जी को प्रसन्न करना है तो वैष्णव को प्रसन्न करें, तो वैष्णव को प्रसन्न कीजिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बड़ा अच्छा विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर जी के चरित्र को बहुत अच्छे से बताया, पहली बार इतना ज़्यादा विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर जी के बारे में सुनने को मिला। और ये एक मेरे को अच्छा लगा कि कैसे आचार्य इतने शास्त्रों में अब्सॉर्ब थे कि अगर कुछ समझ नहीं आता था तो उसके लिए व्रत रख लेते थे और इतने मतलब भगवान से प्रे करते थे। तो मतलब कुछ चीज़ें हैं जैसे हमें भी समझ नहीं आती हैं, आपने कहा कि हम तो समझना भी नहीं चाहते हैं, इतना कैजुअली ले लेते हैं, ऐसे कई चीज़ें प्रैक्टिकली समझ नहीं आती, थ्योरेटिकली हम पूछ लेते हैं
आंसर भी मिल जाते हैं, प्रैक्टिकली उस चीज़ को रियलाइज नहीं कर पाते हैं। तो कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने चाहिए उसको प्रैक्टिकल लेवल पे समझने के लिए, भगवान से प्रे करना या कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या ले सकते हैं? थियोरेटिकल मतलब कि प्रिंसिपल समझ में आ रहा है, इसको कैसे जीवन में उतारना ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ जी, जैसे प्रनाद भी सुनी चेन है, ये समझ में आ रहा है। हाँ, वो गैप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल में अमानी ना मान देन कैसे कर, है ना? सही बात है। तो प्रैक्टिकल करने के लिए जो शक्ति आती है ना, वो फिर कृपा से आती है, है ना? सॉल्व, बिकॉज ये खाली एकेडमिक नॉलेज नहीं है, है ना? अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवे ग्रह इंद्रिय सेवन मुखे जीवादो स्वयं स्फुरति अतः। तो जब सेवा में लगते हैं और वैष्णवों को प्रसन्न करते हैं, वैष्णव की कृपा से हमारे को शक्ति आती है, इसको हम प्रैक्टिकली करें और फिर वो विज्ञान बन जाता है, वो रियलाइजेशन बन जाती है। सो इट्स नॉट सो चीप कि हम अपने बुद्धि के स्तर पे समझें। सो दिव्य ज्ञान खोपड़ी प्रकाशिता नहीं है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता है। और इसमें खोपड़ी से हृदय में आने के लिए बहुनाम जन्म नाम अंते कई जन्म लग सकते हैं, इसलिए वी आर टोटली हेल्पलेस। ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धि से समझ सकते हैं, हृदय में आ जाए ये तो कृपा पे ही है ना? इसलिए आज जो हम रोज सुबह गाते हैं यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात नागति को तोपि ध्यायं स्तुवं यस्य यशस्त्री संध्यम वंदे गुरो श्री चरणारविंदम वंदे गोरो श्री चरणारविंद यस्य अप्रसादात नागति कुतोपि। कृपा नहीं है तो कुछ गति नहीं है, सो इट डिपेंड्स ऑन द मर्सी, अपने एफर्ट से नहीं है। अपने एफर्ट से जान सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, रो सकते हैं, बस कृपा की याचना कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। और कुछ ऐसे डाउट्स हैं तो फिर हमें उसको कार पार्क कर दें ना? और कई बार कुछ डाउट्स के लिए कुछ वैष्णव ज़्यादा स्पेशलिस्ट होते हैं, है ना? हर एक वैष्णव का, हमारे पास कई अच्छे अच्छे वैष्णव हैं, हर एक का एक फील्ड, अलग अलग फील्ड में स्पेशलाइजेशन होता है। उनकी प्रतीक्षा करें या उनको कांटेक्ट करें, उनसे उसका निवारण करें, है ना? पूछना चाहिए भक्तों से, हमारे पास क्वेश्चन की लिस्ट होनी चाहिए, डाउट्स होने चाहिए। तो जिस वैष्णव से हमें उनसे पूछना चाहिए, ये कर सकते हैं और कृपा की याचना कर सकते हैं। Yes, हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे कि आपने जो कुछ बताया बहुत अच्छी तरह, लेकिन आज स्पेशल बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी को ज़्यादातर से ईस्ट में, जैसे बिहार साइड में, एक सरस्वती पूजा की मतलब मान्यता बहुत ज़्यादा है, जो स्पेशली बच्चों के लिए है जो पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो इसका शास्त्र से क्या संबंधित है और ये कितना इफेक्टिव है उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? बहुत इफेक्टिव है, करिए, जरूर कीजिए सरस्वती पूजा। और दो सरस्वती हैं, एक ये सरस्वती है, एक दिव्य सरस्वती है। ओके, तो हम लोग दिव्य सरस्वती की पूजा करते हैं, जो भगवान की भार्या हैं, कि हमें हमारे अंदर आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट हो। और ये सरस्वती हैं, ये भौतिक ज्ञान। तो भौतिक ज्ञान ठीक है, आज का जो भौतिक ज्ञान है केवल शरीर के पालन के लिए है, लेकिन असली आत्मा की खुराक दिव्य ज्ञान है। तो सरस्वती से प्रार्थना करें, पर दिव्य सरस्वती से प्रार्थना करें। जी, जैसे मैंने देखा कि मतलब तीन चार दिन से आपके लेक्चर सुन रहा हूँ, तो उसमें क्या हो रहा है कि आप अलग अलग शास्त्रों से कोट करते हैं ज़्यादातर, और इतने सारे शास्त्र, उसके बाद उसमें से कुछ ऐसे जो पहली बार नाम ही सुना है, तो कैसे मतलब कैसे आपने इतना शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो उसको कैसे अध्ययन किया है? शास्त्रों का मैंने कोई अध्ययन नहीं किया, ये प्रभुपाद जी की परपट्स में शास्त्र के नाम लिखे हुए थे, वही सुना केवल नाम बोलने से नहीं है कि मैंने अध्ययन कर लिया। आप आशीर्वाद दीजिए, प्रार्थना करते हैं अध्ययन कर सके। प्रभुपाद के तात्पर्य को ही पढ़ ले, सारे शास्त्र हैं उसमें। प्रभुपाद ने भगवद्गीता लिखी, उसका पीछे इंडेक्स देखेंगे, प्रभुपाद गीता के तात्पर्य को लिखने के लिए 46 शास्त्रों को रेफर किया। तो आप ही तात्पर्य में पढ़िए, उन शास्त्रों का नाम लीजिए बस। उसको पढ़ने का टाइम कहाँ है, बस प्रभुपाद की पुस्तकें ही पढ़ने बहुत है ना। यस, पीछे बोलिए।
Dhanur Pranam. Thank you very much for such a wonderful class and for this question answer round two. Prabhu, you said ki Bhagwan is very choosy while choosing his devotees for any kind of service. Hum class mein sunte hain ki aap Bhagwan ki taraf ek kadam badhao, Bhagwan 10 kadam badhate hain. If some devotees desire to do some XYZ service, aur Bhagwan usko wo seva nahi dete hain. Matlab somehow kuch aisa pattern ban jata hai ki wo seva usko nahi milti hai. But that devotees desires to do that service. उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे इसको थोड़ा। बताया था ना कि भगवान की योजनाएं कुछ और हो सकती हैं, अल्टीमेटली ही इज द मास्टर ना। व्हाट इज डिजायर्स टू डू दैट सर्विस फ्रॉम, तो फिर लेकिन किसकी सेवा करना चाहते हैं, स्वामी तो वही है ना। तो स्वामी जी बोल रहे हैं अभी मैं आपसे नहीं सेवा नहीं लूंगा अभी आपसे, तो क्या करोगे, लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। प्रभाव हरण देते हैं ना, गुरु जी के दो शिष्य थे, गुरु जी के दोनों टांगों को दबा रहे थे, दोनों आपस में कंपटीशन कर रहे थे, और बेचारे इतना दुख पहुंचाया गुरु जी को उन्होंने मार मार के कि मैं देखो ज़्यादा अच्छे ढंग से गुरु जी की सेवा कर रहा हूँ। तो हम आपस के कंपटीशन में भगवान को गुरु को क्यों दुख दें, छोड़ दें। जैसे आपकी इच्छा, जितनी भी सेवाएँ हैं जीवों की वो श्रीमती राधा रानी के माध्यम से कृष्ण को जाती है। तो जो सेवा के लिए राधा रानी चुनती हैं, चलो आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप थोड़ा वेट करो, आपके लिए और सेवा सोची हुई है, वेट करो वेट करो, नहीं नहीं अभी अटैप वेट करो, बस जबर सी जंप मत करो, वेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, विश्वास रखें है ना, और अच्छे ढंग से जप करें तो सेवा मिल जाएगी। राइट, लास्ट क्वेश्चन बस। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक्चुअली फैमिली में देखने को मिलता है कि ड्यूरिंग पीरियड टाइम्स ऑफ गर्ल्स वो टेम्पल नहीं जाती, तो इसके ये बहम है या कोई इसके पीछे रीजन है? किस फैमिली, फैमिली में मतलब जैसे देखने को मिलता है जैसे ड्यूरिंग पीरियड टाइम्स ऑफ गर्ल, गर्ल्स पीरियड टाइम ऑफ गर्ल, अच्छा वो टेंपल नहीं जाती, हाँ। तो सो इसके बाह में या कोई इसके पीछे रीजन है? हाँ रीजन है, अशुद्ध अवस्था में हम अर्च वगैरह के सेवा नहीं करते अशुद्ध अवस्था में, लेकिन हरिनाम ले सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी जैसे अभी आपने बताया कि हमें जो है ना जैसे भागवतम से और अपना भगवत गीता से श्लोक करेंगे तो हमें विशेष कृपा मिलेगी, जैसे हम उसको श्लोक को याद करते हैं तो वो हमें कुछ समय तो याद रहते हैं उसके, और कुछ समय के बाद में हम भूल जाते हैं, तो क्या फिर वो कृपा का मतलब कि जैसे अभी आपने कहा तो कृपा हमसे हट जाती है क्या है, फिर हम उसको याद क्यों नहीं रख पाते? कई बात नहीं, करते रहें प्रभु जी, भगवान हमारे प्रयासों को देखेंगे। मैं ये बहुत बड़ी है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और भूल भी जाते हैं ना, जो युवा लोग हैं उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, आपकी हमारी उम्र में भूलना शुरू हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, हम प्रयास करते रहें, और कई तरीके हैं, रोज़ उसको रिपीट करें और प्रचार में जहाँ मौका मिले श्लोक सुनाएं ना। हमारे एक भक्त हैं हरिलीला प्रभु, मायापुर में है, तो प्रभु जी और माता जी दोनों बहुत से वैष्णव और वैष्णवी हैं, तो बोलते हैं हम खूब एक दूसरे से कंपटीशन करें, रोज नया श्लोक सुनाना है, और कई बार आपस में लड़ाई भी होती है, श्लोकों से लड़ाई होती है। तो घर में ऐसा कंपटीशन कीजिए आप, तो अच्छे अंताक्षरी खेलिए श्लोकों की, तो सारे श्लोक याद भी रहेंगे, कृपा भी मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेम आनंदे। थैंक यू प्रभु जी। हाँ प्रभु जी ने तीन दिन तक बहुत कथा सुनाया, पहले दिन भागवतम पे, तीसरे दिन चर्चा, आज वैष्णव आचार्य पे, बहुत शिक्षाप्रद रहा। प्रभु जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हर बार ऐसे आते रहे, हर महीना ही आते रहे। थैंक यू, हरी बोल।